तीर्थों के दर्शन करके तो देखो, एक बार तीर्थंकरों की भूमि के दर्शन करो तो जीवन बदल जाए। जिन धर्म से है प्यार तो हर पले कहना चाहिए, तन रहे या ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। जिस तरह से इस स्वतंत्र भारत में जैन तीर्थों के साथ, साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे अत्यंत निंदनीय है। गिरनार जैसे तीर्थ हथियाने की चेष्टाएं निरंतर जारी है और हमारे कई नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया है कि गया। नैमिनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई, इतना महान तीर्थ, और जहां अभी तक आज भी श्रावक श्राविकाएं दर्शन को जाते हैं, वहां और तरह के बुत विराजमान कर दिए, मूर्तियां लगा दी गई और जैनों को दर्शन करने से हकाल दिया जाता है, डरा दिया जाता है। अपने भीतर से डर निकालिए, लालच निकालिए, बात जरूरी है। और एक जज्बा जगाइए अकलंक देव की तरह कि तन रहे या ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। और वह जिन धर्म जिंदा रहना चाहिए जो अहिंसा की व्याख्या करता है, वो जिन शासन जीवंत रहना चाहिए जो शांति के लिए जीवित है, वो जिन शासन जिंदा रहना चाहिए जिसके बल पर देश स्वतंत्र हुआ, जो जिन शासन जिंदा रहना चाहिए जिसके बल पर पूरे विश्व में शांति हो सकती। और आज वो थोड़े से समाज को ही शांति से नहीं रहने दिया जाता। नाम गिना रहे थे आप लोग, बड़े मंचों से और किसी चैनल्स पर बोलना कठिन हो गया। आप कह रहे तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ जी, महालक्ष्मी टेंपल कोल्हापुर, और ऐसे ढेरों मंदिर भीतर जैन प्रतिमाएं लगी हैं। महावीर तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान है, आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है, और आप जय नहीं बोल सकते। मान के चलिए हिंदी में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हम हिंद में रहते, हिंद में पैदा हुए, हिंद के वारिस। लेकिन धर्म की जब बात आती है तो विश्व के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म के वारिस हैं हम। सबसे प्राचीन द्रविण संस्कृति जो कहलाती थी, और आज ये स्थिति हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2000 साल पहले 45 करोड़ थे, आज सरकार गिनती है 45 लाख। फिर भी गिनती अगर गिनना आता हो तो कम से कम 2 करोड़ श्रावक श्राविकाएं तो इस देश में जरूर होंगे। देश के मुखिया ने एक बार कहा था कि हमारे शास्त्रों की होली जलती रही 6 महीने तक, और उनको शायद पता होगा को हमारे शास्त्र उसमें अधिकतम थे जैन शास्त्र, जैन आचार्यों के शास्त्र, और जलाने वाले थे हमारे ही देश के कुछ धर्म विद्वेषी लोग। जितने आज मुनि नहीं हैं, उनसे 8 गुने मुनियों की एक साथ हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में, 8000 से ज्यादा मुनि, लाखों श्रावकों को। धर्म का जहर ऐसा खतरनाक होता है कि इंसानियत को भी एक तरफ रख देते हैं, हर एक इंसान को धर्म से ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए, सबसे पहले इंसान फिर धर्म। और धर्म हमें यही तो सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, एक दूसरे को हम तंग ना करें, एक दूसरे की वस्तुओं को ना छीने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, मिलजुल करके रहें और पूरे देश की तरक्की करें। पूरी दुनिया में हमारे देश से, हमारे गणतंत्र से संदेश जाना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोग कैसे आनंद और प्रेम से मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन जब एक दूसरे को उंगली करते हैं, एक दूसरे की चीजें छीनते हैं, तीर्थ छीनते हैं, तो जैनी जैसे श्रावक तो चुप बैठते हैं। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी हैं वो हथियार उठा लेते हैं सीधा। जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। तीर्थ का मतलब होता है जहां से तिरा जाए, तीर्थ का मतलब होता है पार जाने का स्थान,
जैसे नदी पर एक पुल बना दिया जाता है और उसे तीर्थ कहा जाता है, वैसे ही धर्म और तीर्थ भी संसार से पार जाने के साधन है, परमात्मा से, प्रभु से, खुदा से मिलने के साधन है। और अगर वे ही लड़ने के साधन बन जाएं तो इससे बुरा और क्या होगा। आज तो धर्म के नाम पर संप्रदाय पूजे जाते हैं, कट्टरवाद को हवा दी जाती है। ध्यान रखना, कट्टरवाद से नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। सहिष्णुता चाहिए, एक दूसरे को सहन करने की सामर्थ्य चाहिए, एक दूसरे को प्यार करने की सामर्थ्य चाहिए। महावीर तो वो कहते हैं कि ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा शांति का वातावरण होना चाहिए कि एक ही बर्तन में एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पिए। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, जानवर भी मिलजुल के रहें, ऐसा वातावरण का निर्माण होना चाहिए। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। दिगंबर मुद्रा की बात करें, कई लोगों को यही समझ में नहीं आ पाता है कि इस युग में, कलयुग में कैसे दिगंबर मुनि है। कई बार उस पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, जबकि प्राचीनतम है। हिंदू संस्कृति में, वैष्णव संस्कृति में नागा साधुओं की बड़ी संख्या है। आज भी बड़े बड़े तपस्वी साधक वहां पर भी हुए, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में भी कई जगह सर्वसंग त्याग को बड़ा सम्मान दिया। अब उस पर चर्चा होती है, इस संपूर्ण त्याग का, पूर्ण वीतरागता का एक सुंदर रूप है। और इसके लिए तो महाभारत में कृष्ण जी फरमाते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि विजय कैसे होगी, और तब कृष्ण कहते हैं आरोह स्वारथे पार्थ गांडीवम स्वा करे कुरु निर्जता निर्जता मेदिनी तस्या यस्य सम्मुखे दिगंबरः। डरते क्यों हो अर्जुन, अपने रथ पर सवार हो, धनुष संभाल लो और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। उस इंसान ने सारी पृथ्वी को जीत लिया समझो जिसके सामने दिगंबर तपस्वी साधु आ जाएगा। दिगंबर साधु आ रहे हैं तुम्हारे सामने से, और समझ लो कि तुम्हारी विजय पक्की है। इस रूप को मादर जात मां से जैसे जन्म लिया वैसे, यथा जात रूप की महिमा सारी दुनिया में है। योग वासिष्ठ का एक प्रसंग है, बैठने दीजिए, अभी मंत्री जी को कब सुनने को मिलेगा ये सब बात, 10-5 मिनट और बैठेंगे। योग वासिष्ठ में श्री राम एक श्लोक कहते हैं, बहुत पुराना ग्रंथ है, 1800 साल से ज्यादा पुराना, 2000 साल से ज्यादा पुराना। एकाकी निष्प्रहा शांत पाणी पात्री दिगंबरा कदा संभविष्यामि कर्म निर्मूल न क्षमा। श्री राम पूछते हैं कि वो अवसर कब आएगा जब मैं अकेला होऊंगा, निष्प्रह होऊंगा, पूरी तरह से शांत होऊंगा, दिगंबर होऊंगा, एकाकी निष्प्रहा शांता पाणी पात्री। मुनि तो आज भी आहार पाणी पात्र में करते हैं। इमरान साहेब, मुनि का आहार थाली में नहीं होता है, कटोरी में नहीं होता है, बर्तनों में नहीं होता है। अभी जाएंगे 10:30-11 बजे और किसी ग्रस्त के घर शुद्ध भोजन हाथ में ग्रहण करेंगे। और अहिंसा इतनी ऊंची होती है कि अगर छोटी सी चींटी भी हाथ में आ गई, मरा हुआ जंतु हाथ में आ गया, यहां तक कि बाल भी भोजन के साथ आ गया, तो भोजन का 24 घंटे के लिए त्याग। पानी का घूंट भी नहीं पिएंगे, वो वापिस चले जाएंगे। ऐसी अहिंसा करुणा के धनी मुनिराज होते। तीर्थंकरों की प्राचीन परंपरा है,
आदम की आदिनाथ की प्राचीन परंपरा है। सज्जनों पीछे देखिए आप, पिछले कुछ सालों में एक उपद्रव चल रहा है कि मुनि के हाथ में पिच्छी जो होती है उसमें मयूर के पंख होते हैं, और मयूर पंख मयूर को मार के लाए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से समझाया जा रहा है कि मयूर को मारे हुए पंख मुनि उपयोग नहीं करते। मयूर तो इस मौसम में बहुत भार होने से, खुजली होने से पंख निकाल निकाल के फेंक देते हैं। वो नाचते हैं तो पंख उनके झड़ जाते हैं, जैसे अपने बाल झड़ जाते हैं 40-50 साल में, उनकी भी हर साल झड़ जाते हैं। और वो झड़े हुए पंख लोग बीन करके लाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और मुनि की पीछी के काम आते हैं। और पीछी इसलिए ताकि इससे जीवों की रक्षा की जाए, जहाँ बैठना है वहाँ मार्जन करें कि कोई चींटी कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना दब के मर जाए, उसे भी अपना जीवन प्यारा है तो पीछी। और अब इस तरह की भी प्रश्न है नई पीढ़ी के दिमाग में आने लगे कि मोर तो जो है नॉनवेज खाता है, मोर तो सांप खाता है, मांस खाता है, तो मोर जो ऐसी गंदी चीज खाता है उसके पंख की पीछी मुनि महाराज क्यों रखते हैं? युवाओं, मुनि का उद्देश्य जीव की रक्षा है, इसलिए मोर को तकलीफ हो, किसी पंछी को तकलीफ हो, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे किसी पंछी को तकलीफ हो, उसके पंख जबरदस्ती खींचना पड़े गिरे हुए पंख की। दूसरी बात, लगभग पंछियों की प्रजाति में सभी पंछी कुछ ना कुछ तो मांस जैसी चीजें खाते ही हैं, क्या करें, उनकी पर्याय वो है। जब इंसान नहीं समझ पाते तो पंछी और पशुओं की क्या बात करें, तो क्या करें। महाराज जी आप ऐसा करिए, दूसरी और तरह की पीछी रखिए। नहीं, मुनि का जीव स्वावलंबी जीवन है, वे किसी से धागा नहीं मांगेंगे, किसी से कपड़ा नहीं मांगेंगे, किसी से कोमल चीज नहीं मांगेंगे, अपितु जंगलों में तप करने वाले मुनि राजों ने देखा कि यहाँ पंख पड़े हुए हैं मोर के और एकदम सॉफ्ट हैं, और इससे हम मार्जन करके झाड़ करके बैठ सकते हैं, जीवों की रक्षा कर सकते हैं। और उस कारण से पिच्छी का प्रयोग जैन मुनियों के जीवन में प्राचीन काल से चालू है, पंछियों को मारना नहीं है। और किसी भी पंछी का पंख लेंगे वो पंख भी छोटे छोटे होंगे, और दूसरा वे पंछी भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ खाते ही होंगे। ऐसे में नॉनवेज खाने वाले पंछी की पीछी ले रहे ये नहीं इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि उसने तो अपने पंख छोड़ दिए और वे किसी के लिए उपयोगी भी नहीं है। ऐसे में जो पड़ी हुई पंख या वस्तु थी वो किसी की जो उपयोगी और किसी की वस्तु नहीं थी, उससे मार्जन करने मात्र के लिए पिछी ली जाती है। पिछी बोलते हैं इसको, पंख मयूर पंख है, पीरों के हाथ में भी होती है, फकीरों के हाथ में भी थोड़े से पंख होते हैं, और कृष्ण जी के मुकुट पर तो होता ही है। ऐसे में हम इतना बड़ा ऑपरेशन करने की बजाय कि पंछी मांसाहारी है, इस पर गौर करें कि जीवों की रक्षा के लिए एक अच्छा निमित्त है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। कमंडल जो होता है वो केवल हाथ मुंह धोने के लिए होता है, शास्त्र पढ़ना है तो हाथ धो के पढ़ो, गुरु के चरण छूना है तो हाथ धो के छुओ। पता नहीं आपके कहां कहां से कैसे हाथ हैं, कैसे विचार हैं, अपने विचार भी शुद्ध रखिए, अपने आचरण को भी शुद्ध रखिए। और एक कह रहे थे ना, तीर्थों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा, बोलिए आप कैसे करोगे। इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। स्वतंत्रता के लिए लाखों युवाओं ने प्राण दिए, श्रावकों ने प्राण दिए, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ। ऐसे ही आज के माहौल में तो कोई चीज पाना है, अपनी सुरक्षा करना है, तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्वेतंबर हो, चाहे किसी और संप्रदाय से हो, जो अच्छे लोग हैं उन सबों को एकजुट होकर के अपनी रक्षा करना होगी, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करना होगी। सौभाग्यशालियों, महा मंगलकारी तीर्थ गिरनार जी, और इसके लिए कहते हैं कि वह नैमिनाथ भगवान ने मोक्ष पाया है, वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है,
इस देश का नाम भारत जो पड़ा है वो भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा, ऋषभ देव के पुत्र, और ये पुराणों में लिखा हुआ है। जो पुराण 3000 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं, और उसी देश में, जिस देश में हम पैदा हुए, हम उसके वासी हैं, आज वहीं हमारे साथ अन्याय होता है। प्राचीन तीर्थ जहां नमिनाथ भगवान की खुदी हुई है प्रतिमा दीवार में, फिर भी जबरदस्ती हद हो गई साहब। और स्थिति यह है कि खुले मंच से आप बोल भी नहीं सकते, इतना दबाव बन गया। इसलिए वो जो युवा कह रहे थे ना कि मतदान भी एक बहुत बड़ा दान है, और मतदान भी ऐसे व्यक्ति के साथ कीजिए, ऐसे व्यक्ति के लिए कीजिए जो आपके साथ खड़ा हो सके। भाई लेकिन तुम्हारी संख्या तो देख लो, समस्या तो सबसे बड़ी इधर है। मंत्री जी कितने मंत्री हैं आपकी सरकार में जो जैन हो? सत्येंद्र जी थे, और आज वो भी पछाड़ दिए गए किसी तरह की साजिश के तहत, या जो भी कहिए। अब आप विचार करो, नेतृत्व करने वाला आपका कौन है, कहाँ है? भाई आजकल खोपड़ियां गिनी जाती हैं, आपकी खोपड़ियां कितनी है, क्या कर पाएंगे फिर? तो एकता पर भी ध्यान दो और अपनी संख्या पर भी ध्यान दो। संविधान के हिसाब से सही, लेकिन अपने परिवार का निर्माण करें, उसकी रक्षा करें। कड़वा बोलने का तो मन होता है, लेकिन बोलना जमता नहीं है, लोगों को बहुत चुभता है। श्रावक श्रावक संस्थाएं ऐसी खतरनाक राजनीति करती हैं कि जिन लोगों ने काम किया हो उनको भी धकेल करके कोने में पटक देते हैं और खुद आकर के कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अरे जो युवा काम कर रहे हैं, जो शक्ति संपन्न युवा हैं, उन्हें भी साथ में लो, उन्हें हाथ में लो, उन्हें आगे लो, तो तुम्हारा काम आसानी से होगा। मातृशक्ति भी कोई कम नहीं है, युवाओं, माताओं और समाज के वरिष्ठ जनों, चाहे गिरनार की बात हो चाहे शिखर जी की बात हो। अभी शिखर जी के लिए अभी तो आप सिर्फ बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अगर नहीं संभले तो 2-3 साल के बाद वो सुनने को मिलेगा कि आप जो है कहां आप जाएंगे।